हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जहां दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। आज इस बुलेटिन में बात होगी बढ़ते कोरोना केसेस की। जानेंगे कि सांसदी जाने के बाद राहुल ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की मुसीबतें। बात होगी अमृतपाल के एक सीक्रेट प्लान की। और अंत में जानेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली विजिट के बारे में सब कुछ। चलिए अब खबरों पर आ जाते हैं। देश में 3 साल बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस डराने लगा है। पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तेजी से एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है और ये 1.33% हो गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1590 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। ये संख्या 146 दिनों में सबसे ज्यादा है। हो सकता है कि जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हों, इनकी संख्या और बढ़ जाए। भारत में अब कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 8,601 हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। मंत्रालय ने कोरोना को लेकर ज्वाइंट एडवाइजरी भी जारी कर दी है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतने की अपील भी कर दी है। लोगों को हाथ साफ रखने और सांस लेने में दिक्कत जैसी अन्य सावधानियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर भी दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि अस्पताल में दवाओं, बेड, आईसीयू बेड समेत अन्य तैयारियों का पुख्ता इंतजाम किया जाए। अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेना जरूरी होगा। तमाम उपकरण, ऑक्सीजन, मौजूदा दिशा निर्देशों के साथ साथ वैक्सीनेशन कवरेज पर, मानव संसाधन पर ध्यान भी दिया जा रहा है। इस संबंध में 10 और 11 अप्रैल को देश भर में मॉक ड्रिल की योजना बनाई जा रही है, जिसमें सभी जिलों से स्वास्थ्य सुविधाओं, सार्वजनिक और निजी दोनों से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। इससे पहले 27 मार्च को एक वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें मॉक ड्रिल के बारे में राज्यों को पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। लोकसभा से सांसदी रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा पलटवार किया है। सदस्यता जाने के करीब 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। माफी मांगकर इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही अडानी के मुद्दे को उठाया था। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है? इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता है। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके डरा कर, धमका कर, जेल भेज कर मुझे बंद कर सकते हैं, तो ये गलत है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। सुनिए उनका ये बयान। Please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction. Now the disqualification. इस देश में इस वक्त राहुल गांधी के अलावा एक और आदमी की काफी चर्चा हो रही है। वो आदमी है भगोड़ा अमृतपाल सिंह, खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे का मुखिया। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा है। आज उसके एक मास्टर प्लान के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हथियार है, शूटिंग रेंज है, साजिश की पोल खोल रही है तस्वीरें, कार में गोलियों का जखीरा देखिए, कंधे पर बंदूक लटकाए ट्रेनिंग के मैदान में गोलियां दागते अमृतपाल के गुर्गों को देखिए और अंदाजा लगा लीजिए, अमृतपाल पर शिकंजा नाखस्ता तो पंजाबी नहीं, देश को दहशत गर्दी की आग में झोंकने की तैयारी थी। ते इन्हों AKF वाले जड़े लोगों दे वेपन सिगे इन्हों दिते गए सी और इन्हों दी जल्लूपुर खेड़ा च एक कनाल कोल अपनी फायरिंग प्रैक्टिस दी रेंज भी इन्होंने मेकशिफ्ट टेंपरेरी बनाई सी जिथे इन्हों मिलिट्री इस तरह दी ड्रिल्स ऑफ फायरिंग प्रैक्टिस दिती जांदी सी। पुलिस को अमृतपाल के गनर तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा की गिरफ्तारी और उससे हुई पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पता चला है अमृतपाल ने भाड़े की फौज तैयार की थी, जिसमें 16 लोगों को भर्ती किया गया था। भाड़े की इस आर्मी का नाम AKF यानी आनंदपुर खालसा फौज रखा गया था।
इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाता था जो नशे की लत छुड़वाने आते थे। अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में हथियारों की ट्रेनिंग के लिए बकायदा फायरिंग रेंज बनाई गई थी। अमृतपाल की भाड़े की आर्मी के हर मेंबर को एकेएफ के लोगों वाली बंदूकें दी गई थी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार यानी आज लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को ईडी ने बुलाया था। ईडी जमीन के बदले नौकरी मामले में मीसा भारती से पूछताछ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने उनके बेटे तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। काफी नानुकुर के बाद उनकी केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेशी चल रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत में पेशी हुई थी। पेशी के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। उसी लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव से आज सीबीआई ने पूछताछ की है। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में ये भरोसा दिला दिया था कि वो पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगी। इसी के बाद आरजेडी नेता सीबीआई के सवालों का जवाब देने आज दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने पेशी के लिए 3 समन भेजे थे। हालांकि तेजस्वी यादव इसमें उपस्थित नहीं हो सके थे। इसी के बाद तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के सामने सीबीआई के समन का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार का मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, अभी विधानसभा का बजट चल रहा है जिसमें मुझे हिस्सा लेना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में पेशी को लेकर उन्होंने असमर्थता जताई थी। हालांकि सीबीआई की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया था कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसी शर्त पर तेजस्वी यादव ने आज यानी कि 25 मार्च को व्यक्तिगत रूप से सीबीआई के सामने पेश होने का भरोसा दिलाया था। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि तेजस्वी यादव को पहले भी समन किया गया है, मामले में हमारी चार्जशीट लगभग पूरी है, हम इसी महीने रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में हैं। खैर इसी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम आज सीबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंचे हैं। पूरा मामला लालू यादव के यूपीए सरकार में 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोप है कि रेल मंत्री रहने के दौरान बिहार में कई लोगों से रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार ने जमीन लिखवाई थी। इसी मामले को लेकर ईडी ने तेजस्वी के दिल्ली वाले बंगले पर भी रेड की थी। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट्स अगर आपको जानने हैं तो बने रहिए एबीपी लाइव के साथ। फिलहाल इस डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।